जो बन रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ये स्कीम लॉन्च की है, इसका सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा बेनिफिट वो ये है, सामने लिखा है बेनिफिट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। सबसे पहला बेनिफिट जो है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स विल गेट बेनिफिट्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर स्कीम्स। मतलब हर कंट्री में होता है, हमारी तमाम लोगों की एक सोशल सिक्योरिटी होती है, हमारा खाना पीना सारा, ये सारी जिम्मेवारी सरकार की होती है। उसके तहत आपको जितनी स्कीमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लॉन्च की जाती हैं, उनका फ़ायदा उस शख्स को मिलेगा जिसके पास ये कार्ड होगा। उसके साथ में सेकंड नंबर पे, दिस डेटाबेस विल हेल्प गवर्नमेंट इन मेकिंग स्पेशल पॉलिसीज एंड स्कीम्स फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। मतलब जो लोग हमारे काम करते हैं उनके लिए स्पेशल स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाएगी, उनके पास डेटा पहुंचेगा तो बनाएगी। जब हमारी रजिस्ट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगी, जल्दी होगी, तो जितना डेटा उनके पास पहुंचेगा कि ये लोग जो हैं अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, उसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट बनाएगी, पैसा रखेगी और अलग अलग स्कीमें हमारे लिए लॉन्च करेगी और लोगों को फ़ायदा होगा। तीसरा सादे लफ्जों में है ना शबीर साहब, तीसरा जो सादे लफ्जों में जो मैम ने पहले बताया था इन शॉर्ट, वो ये है कि PMSBY जो एक इंश्योरेंस की स्कीम है, उसमें अगर जिसके पास ये ई श्रम कार्ड होगा, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको 2,00,000 रुपये मिलेंगे, और अगर मुकम्मल उसकी डिसेबिलिटी हो जाती है, मतलब माजूर इतना हो जाता है कि वो काम के काबिल नहीं रहता है, तो भी 2,00,000 मिलेगा। उसके बाद अगर पार्शियल डिसेबिलिटी थोड़ा बहुत उसका मतलब माजूर होता है, तो उसके लिए 1,00,000 रुपये का फ़ायदा है। मुफ्त में ये बेनिफिट है इस कार्ड का, कि ये इंश्योरेंस भी इसमें है, कवर है। उसके बाद जो है, इट विल हेल्प ट्रैक माइग्रेंट लेबर वर्कर्स वर्कफोर्स एंड प्रोवाइड देम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। मतलब जो लोग हमारे यहाँ से मजदूरी करने पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़ आगे पीछे जाते हैं, उनकी शिनाख्त करने में भी आसानी हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट को पता चलेगा कि हमारे गांव से कौन कौन से लोग हिमाचल गए हैं, कौन से कश्मीर गए हैं, तो उनके लिए रोजगार ढूंढने में भी गवर्नमेंट को आसानी हो जाएगी। यानी हमने ये अपनी मदद खुद करनी है, तो जब हम सब लोग मिलके, जैसे हमारे सरपंच साहब ने भी कहा है, अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तमाम सरपंच साहिबान, पंच साहिबान, हमारे सामाजिक कारकुनान हैं बहुत सारे जिनको शौक है लगाया है, बट इसके अलावा भी मेरे पास एज ए वीडियो कुछ और स्कीम्स भी हैं, तो उन एस्पेक्ट्स को भी मैं टच करूंगा। लेकिन सबसे पहले जो हमारा ई शर्म, ये जो स्कीम है गवर्नमेंट की, जैसा कि पहले भी हमारे इनकलाबी साहब ने यहाँ पे आके इस पे थोड़ी लाइट डाली है, तो इसमें यह है कि हमें जो सरकार है वो एक नेशनल लेवल पे जो अनएम्प्लॉयड वर्कर्स हैं, जो कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं कर रहे हैं, उनका एक डेटाबेस बनाना है, और इस डेटाबेस को हम जो गवर्नमेंट है वो आपके लिए जो अनएम्प्लॉयड वर्कर्स हैं उनके लिए ऐसी पॉलिसीज बनाने का के लिए यूज करेगी, जिससे आपको एम्प्लॉयमेंट की एवेन्यूज प्रोवाइड किए जा सकें। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि बहुत सारे जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं वो हमारे यहाँ पे काम छोड़ के बाहर जाते हैं, बाहर वाली स्टेट्स में जाके काम करते हैं या फिर बाहर वाली डिस्ट्रिक्ट में जाके काम करते हैं, तो अगर हम इस डेटाबेस को इफेक्टिवली और मतलब अच्छे से पूरी जान लगा के हम जल्दी से जल्दी इसको अगर हम कंप्लीट करेंगे, तो गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बनाएगी कि आपको काम करने के लिए अपनी डिस्ट्रिक्ट, अपनी स्टेट से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, आपको काम अपने ही एरियाज के, अपने ही घरों के आसपास मिल जाएगा। इसके साथ साथ ये आपको तो इसका बेनिफिट मिलेगा ही, इसके साथ साथ जो आपको इंस्टेंट बेनिफिट मिलेगा ई श्रम के अंतर्गत, आपको 2,00,000 तक का इंश्योरेंस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा जो भी स्कीम को के लिए रजिस्टर करेगा। तो इसलिए मेरी आप सब लोगों से ये दरख्वास्त है कि मैक्सिमम नंबर्स में हमारे CSEs के पास जाइए, वहां पे हमारे VLEs बैठे हैं, वो आपके जो है रजिस्ट्रेशन करेंगे ताकि आप इन सारी स्कीम्स का बेनिफिट ले सकें। इसके साथ साथ मैं सेहत कार्ड के लिए भी थोड़ा बोलना चाहूंगा। सेहत कार्ड के लिए मैं यही कहूंगा कि यहाँ पे मैं अभी भी कुछ स्टेटिस्टिक्स देख रहा था वीडियो ऑफिस में बैठ के, मेरी मोस्टली पंचायत में 90%, 80%, 75% इतने जो सेहत कार्ड हैं बन चुके हैं, बट फिर भी वहां पे स्पेस है 10%, 20% लोग जो हैं, जो कि अभी ढोकों में गए हैं या किसी और कारण से अभी व्यस्त हैं, उनके जो हमें सेहत कार्ड हैं वो बनाने हैं। तो उन लोगों से मेरी ये दरख्वास्त है कि आप लोग भी VLE CSE में जाएं, VLE से अपने अपने सेहत कार्ड बनवा लें, ताकि वो सेहत कार्ड के बेनिफिट्स आप अवेल कर सकें। इसके साथ साथ मेरी आपसे ये भी दरख्वास्त है कि आप वैक्सीनेशन को सीरियसली लें, जिन जिनकी पहली डोज लग चुकी है और दूसरी डोज ड्यू है वो भी वैक्सीनेशन अपनी करवाएं, और जिनकी पहली डोज नहीं लगी है वो एटलीस्ट जाके अपनी पहली डोज करवा लें।
तो यही मैं शॉर्ट में ही रखूंगा अपने इसको। तो थैंक यू सो मच मुझे बोलने के लिए, हम मौका देने के लिए।